तो आई थिंक इससे बड़े गुड न्यूज मैंने आपको रिसेंट के कुछ मंथ्स के अंदर नहीं दी होगी, बिकॉज लाइव फैंस आर रिटर्निंग और ये बात WWE ने खुद ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और भाई आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग WWE की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट के बारे में बात करेंगे, जो कि जस्ट आज से कुछ घंटे पहले नहीं कुछ मिनट्स पहले हुई है। और ये बात ऑफिशियल हो चुकी है कि लाइव फैंस की एक बार फिर से रॉ स्मैकडाउन के अंदर रिटर्न होने वाले। WWE ने सारी चीजें एकदम रिवील कर दी है कि भाई क्या चीज होने वाली है, कौन सा इवेंट कब होने वाला है। तो सारी चीजों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे। लाइव फैंस की जो रिटर्न है वो कितने दिन के लिए होगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो भाई होता है क्या, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ करीबन इसे 30-40 मिनट पहले जो WWE ऑन फॉक्स का ऑफिशियल ट्विटर और इंस्टाग्राम अकाउंट है, इवन जो उनकी वेबसाइट है, वहां पर WWE ये बात अनाउंस करती हुई नजर आती है कि ब्रेकिंग न्यूज लाइव फैंस की जो रिटर्न है वो 16 जुलाई के स्मैकडाउन के शो से ही होगी। और रिपोर्ट्स ऑलरेडी ये बात कंफर्म कर रही थी कि लाइव फैंस की रिटर्न होने वाली जुलाई के मंथ के अंदर है, और उन्होंने भी 16 जुलाई की ही डेट रिवील की थी। और भाई WWE यही सेम चीज अनाउंस कर रही थी, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे। और यहां पर ये बात चलो अब तो ऑफिशियली अनाउंस हो चुकी है, इसमें कोई डाउट रहा नहीं है। और ऊपर से यहां पर कैप्शन के अंदर ये बात रिवील होती है कि ये जो चीज है इसके अंदर टोटल 25 सिटी का जो टूर है वो इंक्लूड होगा, यानी कि 25 सिटी तक हमें WWE टूरिंग करती हुई नजर आएगी, जिसके अंदर लेबर डे भी इंक्लूड होने वाले। इसकी जो टूर की पूरी शुरुआत है वो 16 जुलाई के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो से होगी, जो कि टोयोटो सेंटर के अंदर होने वाला है ह्यूस्टन टेक्सास में। तो वही हमें मिल चुका है पूरे तरीके से छुटकारा, 16 जुलाई के बाद एक बार फिर होने वाली लाइव फैंस के रिटर्न स्मैकडाउन के अंदर एक लंबे से समय के बाद हमें दिखाई देगी। फिर रॉ के अंदर भी वो आने वाले हैं और मनी इन द बैंक का पेपर व्यू भी उस मंथ होगा। अभी फिलहाल कुछ ही मिनट्स बाद शायद मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगा, वहां पर और भी कुछ एडिशनल डिटेल्स रिवील होंगी कुछ ही घंटों बाद कि मनी इन द बैंक का शो कब होने वाला है, समर स्लैम पेपर व्यू का क्या होगा, उसके लेकर एक और अपडेट वाली वीडियो आएगी। तो भाई इसके लिए स्टे ट्यून्ड रहो, चैनल पर आपको मजा काफी आने वाला है। और अभी फिलहाल जैसा मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप चैनल पर एक एक्टिव व्यूअर हो कि भाई WWE एक टेस्ट रन भी कर सकती है, और मेरे हिसाब से लाइव फैंस को एक बार फिर से परमानेंट रिटर्न करवाने का टेस्ट रन होने वाला है, जब WWE 25 अलग अलग सिटीज के अंदर जाएगी, वहां पर अपने इवेंट्स करेगी, वही पुराना वाला मजा एक बार फिर से वापस आने वाला, क्योंकि पेंडेमिक के बाद आई थिंक हमारे लिए वही जन्नत है, चाहे रॉक एपिसोड जितना मर्जी बोरिंग क्यों ना हो। और सही में देखने में मजा आने वाला है जब 16 जुलाई के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर एक बार फिर से लाइव क्राउड की रिटर्न होने वाली है। 25 आगे आप इवेंट जोड़ सकते हो इजिली, तब तक हमें WWE ये सारी चीजें करते हुए नजर आएंगी। एडिशनल डिटेल जैसे मैंने कहा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर पता लग जाएंगी। बाकी भाई ये वाली वीडियो और ये बड़ी सी गुड अनाउंसमेंट यहीं तक थी। मिठाइयां बांट दो मोहल्ले के अंदर, मैं भी बस हलवाई के पास जा ही रहा हूं। अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग नीचे वीडियो को लाइक कर सकते हो, वीडियो को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।